नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल केसी अग्रवाल। हर दिल अजीज मनी प्लांट। लगभग सभी लोगों के घरों में आपको मनी प्लांट जरूर दिख जाएगा, चाहे स्टूडेंट हो, बिजी पर्सन हो, हाउसवाइफ हो या ऑफिस में जॉब करने वाले। छोटी बड़ी दुकानें, स्कूल कॉलेज, कोई होटल, पार्क, कहीं भी मनी प्लांट डेकोरेटिव प्लांट के लिस्ट में सबसे नंबर वन आता है। इसे पानी में ग्रो करें या मिट्टी में, कहीं भी आसानी से ग्रो करता है और बहुत ही इजी टू केयर है। तो चलिए आज हम मनी प्लांट के बारे में आपको 10 ऐसी बातें बताएंगे जिससे आपका भी मनी प्लांट इस तरह से जंगल की तरह भर जाएगा। ये हमारा मनी प्लांट बहुत ही हेल्दी है और देखिए इसके पॉट भी टूट चुके हैं। ये इसके रूट्स ऐसे बाउंड कर चुके हैं कि इसमें मिट्टी भी कम है, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं ये मनी प्लांट पूरे दीवार को कवर कर चुका है। ऐसे पूरे दीवार पे चढ़ गया है कि आपको दीवार दिख नहीं रहे हैं। तो चलिए देखते हैं हम कि ये मनी प्लांट इतना बूसी कैसे हो गया। लेकिन आज हमें इस मनी प्लांट को काट के हटाना है, क्योंकि ये ऊपर से बिल्कुल इलेक्ट्रिक वायर में इतनी बुरी तरह से उलझ गया है कि हमें इसे वाटरिंग करने में डर लगता है कि कहीं पूरे दीवार में करंट ना फैल जाए। तो चलिए पहले हम इसे काट के हटाते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसके रूट्स कितने बड़े बड़े लंबे लंबे हुए हुए हैं और किस तरह से दीवार को बिल्कुल पकड़े हुए हैं, जकड़े हुए हैं। चलिए दिखाते हैं हम आपको। इसे इस तरह से काटते हुए हमें बहुत अफसोस हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है, फिर से ये ग्रो कर जाएगा और इससे भी घना हो सकता है। अभी हम आपको एक और मनी प्लांट का जंगल दिखाएंगे जो इससे भी घना और हेल्दी है। देखिए इसे हम इस तरह से काट कर हटा रहे हैं और ये देखिए आपको रूट्स दिखा रहे हैं। ये देखिए कितने हेल्दी रूट्स हैं और किस तरह से ये दीवार को पकड़ लेते हैं। इसे हमने कैसे ऐसे ग्रो किया कि ये बिल्कुल दीवार को ऐसे चिपक के चढ़ा है, हम अभी आपको इसके सीक्रेट भी बताएंगे। तो चलिए पूरी वीडियो को देखिए और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ना भूले। और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। देखिए हमने सारा मनी प्लांट काट कर हटा दिया और इसकी ढेर सारी कटिंग्स निकली है। ये पूरा दीवार हमने साफ कर दिया। ऊपर देख रहे हैं आप, वायर है और इलेक्ट्रिक वायरिंग है, तो उसी में उलझा था ये प्लांट। ये देखिए इतने सारे कटिंग्स निकले हैं। और अब हम चलते हैं आपको ये दिखाने कि हमारा दूसरा मनी प्लांट का जंगल कहाँ पे है और कैसा है। किसी को भी कटिंग लेना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उन्हें कटिंग भिजवा देंगे। चलिए देखते हैं। कुछ बातों का अगर हम ख्याल रखें तो मनी प्लांट कितना हेल्दी और कितना सुंदर हो सकता है आप देख सकते हैं। इसकी पत्ती की साइज देखिए कितनी बड़ी है। इस पे नाश्ता नहीं, आप भोजन भी कर सकते हैं, इतनी बड़ी हो गई है इसकी पत्तियाँ। जबकि ये मनी प्लांट हमारा सिंपल वाला मनी प्लांट है, आप देख रहे हैं इसके बहुत सारे ब्रांचेज इस तरह से ये दीवार में चिपक जाते हैं और इसके हर नोड से रूट्स निकलती हैं जो कि दीवार को पकड़ती हुई ऊपर की ओर चढ़ती हैं। हम आपको 10 ऐसी बातें बताते हैं जो बहुत ही इजी है, जिसका आप ध्यान रखें तो आपके भी मनी प्लांट इतने ही हेल्दी रहेंगे और बहुत अच्छे ग्रो करेंगे। आपको किसी और तरह की, किसी भी तरह की केमिकल फर्टिलाइजर या एक्स्ट्रा केयर की कोई ज़रूरत नहीं होगी। सबसे पहले तो आप मनी प्लांट को ऐसी जगह पर रखें जहाँ पीछे की ओर दीवार हो और इसकी जगह बार बार ना चेंज करें। दूसरी जरूरी बात कि पॉटिंग मिक्स में आप सैंड और वर्मी कंपोस्ट जरूर मिलाएं। तीसरी जरूरी बात कि आप पॉट कोई सा भी लें, सीमेंट, मिट्टी या प्लास्टिक का, उसके ड्रेनेज होल अच्छी होनी चाहिए। और चौथी ध्यान देने वाली बात है कि इसे ऐसी जगह पे रखें जो छायेदार हो लेकिन अच्छी ब्राइट लाइट आती रहे। पांचवी, तेज धूप वाली जगह पे ना रखें। सूरज की डायरेक्ट रोशनी अगर दिन भर की मिलेगी तो इसकी पत्तियां जलने लगेंगी। छठी बात,
गर्मी के दिनों में इसे दोनों टाइम वाटरिंग करें, अच्छे से पूरे पत्तियों पे पानी का स्प्रे जरूर करें। सातवीं बात, कोशिश करें जहां रखें वहां इसे अच्छे से वाटरिंग कर सकें, आप स्प्रे कर सकें। अगर पीछे की ओर दीवार है तो दीवार को भी अच्छे से पानी से स्प्रे करके आप भिंगो दें, ताकि इसके हर नोड को मॉइस्चर मिल सके और इसकी पत्तियां हेल्दी हो सके। आठवीं जरूरी बात, 2 से 3 महीने पे फंगीसाइड का स्प्रे जरूर कर दें, ताकि किसी तरह के फंगल का इन्फेक्शन ना हो। और नौवीं ध्यान देने वाली बात है कि जब भी इसमें कहीं भी पत्तियां सूखी नजर आए तो आप उसे हटा दें, नहीं तो प्लांट में फंगल इन्फेक्शन होने का डर रहता है। और दसवीं सबसे जरूरी बात, पेशेंस रखें। प्लांट को 1-2 दिनों में नहीं बढ़ते, उसके लिए काफ़ी पेशेंस की ज़रूरत होती है और केयर की ज़रूरत होती है। तो आप प्लांट्स की सही सही केयर करें और पेशेंस रखें, आपका भी प्लांट हेल्दी, पूसी और ऐसे ही घना हो जाएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने गार्डनर दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर भी कर लीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। हम फिर मिलते हैं इसी तरह से किसी नए जानकारी के साथ। थैंक यू।